हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? हम लोग ठीक है। आप सबकी दुआएं चाहिए। बहुत सी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बिलाल भाई से हमारा अभी रब्ता हुआ है, तो उम्मीद है हम अभी आप ही हॉस्पिटल में हैं, तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। फिर कोशिश करेंगे कि अगर डॉक्टर्स ने इजाज़त दी तो आप ही से आपकी मुलाकात भी करवा देंगे। ठीक है रियान? ठीक है? नहीं कट्टी? अच्छा कट्टी। तो देखें, बस दुआ कीजिए अल्लाह आप ही को बेहतर करे। आज हमने सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, अभी जब बिलाल भाई से रब्ता हुआ है हमारा, क्योंकि हमारा यही था कि पहले उधर का देख लें, बिलाल भाई से रब्ता हो जाए। तो अभी रब्ता हुआ है उनके साथ, तो हॉस्पिटल हमारा है प्लान जाने का, क्योंकि घर फिर एकदम से वो आज 2 दिन बाद घर जाएंगे अगर, या कल घर जाएंगे, तो हमें फ़ौरन जाके तंग करना वो मुनासिब नहीं लग रहा। तो घर भी इंशाल्लाह जाएंगे हम लोग। फिलहाल जो बेचैनी है कि एक दफ़ा आप ही से मुलाकात हो जाए, वो हम करने की कोशिश कर रहे थे। सुबह से रबते में थे बिलाल भाई से, तो अभी रबता हुआ है। बहरहाल हम निकलते हैं, एक दो काम और भी हैं वो भी करने हैं, तो हॉस्पिटल का भी अगर हुआ तो आपसे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप ही से मुलाकात करवाते हैं। पूरी का नाश्ता, चाय भी रेडी है, साथ में दिखाते हैं कि आपको आज खाने में क्या होगा। ये तो नायरा के एक स्कूल की कोई बुक या कॉपी लेनी थी, वो लेने हिना अभी गई है अंदर, और अंकल और नूर भी उधर ले रहे हैं समोसे। वो सामने पत्नी क्या ढूंढ रही है, अभी आती हूँ पूछता हूँ। एक बुक लेनी थी, दरअसल हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। रास्ते में मैंने आपको बताया था ना, बिलाल भाई का वेट कर रहे हैं हम लोग कि उन्होंने कॉल करनी है और उसके बाद हमने पहुँचना है। तो उससे पहले अब टाइम फ्री था, तो ये ना कह रही थी उसकी कोई कॉपीज वगैरह लेनी है स्कूल की। कल से नायरा के भी स्कूल टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो वो लेने गई हैं। बाकी कुछ समोसे वगैरह ले रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि आज हमने अभी तक खाना नहीं खाया। चावल बन रहे हैं तो चावल रात को ही खाएंगे। ये देखिए, ये फड्डा पड़ा हुआ है, क्या लेके आई हो? इनको पेन भी ले दिए हैं, बुक्स भी ले दी हैं, फिर भी फड्डा है। ये इस मैडम का फड्डा है, ये साथ जो बैठी है। मैंने उसको लेके दी, उसको पता भी नहीं, क्योंकि रियान कर्लिंग करेगा। हैं रियान कर्लिंग करोगे? वाओ। अच्छा चलो अब निकले यहाँ से, चले चलो ठीक है। नहीं उनके पास है, सेम है उनका, ये वाला नहीं। यार ये उतार दे, ये ग्लासेस पसंद की है। इतना सारा सामान हमारा खुद हो गया, मैंने कहा अब हमने लिया नूर भाई ने कम लिया है ना, हमने कम लिया, नूर भाई ने बहुत चीजें ली है। बस 5 चीजें आपने? नहीं मैंने 2 ली हैं। एक मिनट, कैंची? हाँ, तीन। बच्चों के 2 टॉय रख के हम बना रहे हैं पुलाव। क्या जी, हम मैंने सबसे पहले बता दो। हाँ, ये देखे, ये अपनी बना के जो है ना वो मैं चली गए, हम लोग चले गए थे, एक तो थोड़ा जाना था, इन्होंने कुछ गिफ्ट वगैरह लेने थे बच्चों को देने के लिए, अब्बू ने और नूर भाई ने, और दूसरा ये कि हम चले गए थे हॉस्पिटल। बिलाल भाई से रब्ता हुआ था, उन्होंने कहा कि हम इस हॉस्पिटल में आप आ जाए, तो हम हॉस्पिटल गए और जैसे उनसे रब्ता हमारा टूट गया, उनके मतलब मोबाइल ऑफ हो गया था, मोबाइल ऑफ हो गया था, और हमारा उस टाइम रब्ता टूट गया। जब हम हॉस्पिटल पहुंच गए तो हम सारे वार्ड देखते रहे, पूछते रहे, लेकिन फिर पता चला कि आपकी जो है वो घर चली गई, अल्लाह का शुक्र है। उसी टाइम बिलाल भाई से रब्ता हुआ, जब हम हॉस्पिटल पहुंच गए, जब हमने ढूंढ ढाल लिए ना 4 फ्लोर, तब रब्ता हुआ कि और वहाँ पे रेफरेंस है, हमने सारे फ्लोर्स पे कॉल्स करवाई, एमरजेंसी में कॉल करवाई कि जी ऐसे ऐसे हमारी एक पेशेंट है। बहरहाल वो कह रहे हैं वो डिस्चार्ज हो गई है, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह आप ही घर पहुंच चुकी हैं, बल्कि बिलाल भाई ने वीडियो भी लगाई है शायद, कोई हाँ, लगाई है। हम अभी घर पहुंचे हैं, आके खाना नोटिफिकेशन आया है, खाना बना रहे हैं कि बिलाल भाई ने कोई वीडियो भी लगाई है, मैं अभी देखता भी हूँ। बहरहाल ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि आप ही फिलहाल घर पहुंच गई हैं। बहरहाल आप लोगों ने बहुत दुआएं कर दी हैं कि उनकी टांग का भी, लोगों ने देख ही लिया होगा कि उनकी हालत कैसी है, तो प्लीज़ दुआ करें, और जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे थे खुदा के लिए उस चीज़ को छोड़ दें, इंसानियत के नाते जो है ना आप लोग दुआ करें कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरह मैनेज कर पाएंगे हर चीज़, बहुत टाइम लगता है रिकवरी में। हाँ टाइम तो काफ़ी लग जाता है। यार मैंने आज मेडिसिन भी नहीं खाई, हाँ। याद ही नहीं थी, खाई सुबह खाई। हाँ। अच्छा
चलें जी, अब दूसरा ये कि हिना बना रही है, ये देखें जी, ये यखनी, यखनी पुलाव की डिमांड किसने की थी? हिना ने खुद की थी। मैंने कहा था। ओ देखो जिन जिडा चमचा काट लिया, इसमें आएंगी 35 बोटियाँ। ये जा रहा है पड़म, ओहो हो हो, इतना चिकन इसमें मैंने प्याज काट के डाला। अच्छा जी, हाँ जी, तो अभी आपको दिखा रहे हैं कि ये पड़े हुए हैं चावल, दूध हुआ, मैंने दूध भी उबालना है। दूध उबालना मेरा काम है, जो मैं खुद कल्ला में आसिफ अपने हाथ से खुद करेगा। और आज थोड़ी वीडियो हमारी लेट बन रही है क्योंकि हम सुबह से वेट कर रहे थे। ये कुछ बर्तन भी लेके आइए रोज़ों के चक्कर में। नहीं, अभी रोज़ों के लेने हैं। रोज़ों के अभी लेने हैं, भूल जा फिर। हाँ भूल जाऊँगी, उनको ही नहीं मिलने से। समोसे रखने लिए प्लेटा होंगी ना, बर्तन होंगे ने बड़े बड़े बॉक्स चाहिए। तो वो है ना, वो है ना, वो जो चार सेम है, वो बड़े नहीं है, है? अच्छा बड़े चाहिए, पहले प्लेट का सही करा ले। कौन से डिस्पोजेबल के छोटे छोटे जो होते हैं, उसमें से हिसाब से रख लो ना, अपने हिसाब से एक रूम के कितने वो रख लें। देखेंगे अभी, रोलों की तैयारी भी आपसे शेयर करेंगे, रोल और समोसे हम घर के बनाते हैं, सब कुछ रमजान में, वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। बोली जा, वो बोली जा रही हूँ, बाहर आ गया, मैं देख रहे आया हूँ बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। ये देखें, हेलो, क्या कर रही हो? एक मिनट नूर भाई मुझे आवाज़ दे रहे हैं, करा कैमरा थोड़े हल घुमावा, घुमा दवा, बना लूं अंकल, बना लूं, कोई बात नहीं, आज आ जाए हैं, लाइटें जला रहा हूँ। अच्छा जी, आज मैं आपको स्पेशल मिलवाता हूँ हिना के अब्बू से, तो ये ले। हेलो अंकल। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं। ये जी हिना के अब्बू हैं और ये हैं हिना के खालू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, आइए आप लोग भी फ्रूट खाएं। फ्रूट्स खाए जा रहे हैं और मुझे तब से आवाजें दे रहे हैं, आजा आजा आजा, मैं कह मैं आ रहे हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, बचपन से ये दोनों बचपन के साथी हैं, बचपन से पचपन तक साथ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी ये साथ ही रहेंगे। मैं बस दो मिनट में आ रहा हूँ, नूर भाई वो दूर रखा हूँ, हिना खाना बना रही है, ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ दो मिनट में। हाँ जी, तो आपको आज स्पेशल इजाज़त लेके मिलवाई है ना, मैंने दोनों से पूछा, कहते हाँ दिखा दो, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, है? अभी हम आज का थंबनेल भी मैं यही लगाऊंगा। ये देखें जी, चावल जल्दी से ना भिगो रही है चावल, ये पुलाव जो है ना, ये जो दम पे लगा हुआ ताज़ा होता है ना, वही मजे का लगता है। अच्छा, आज का थंबनेल यही लगाएंगे, है ना, अच्छा लगेगा। अच्छा, अब पता क्या होगा, जो हमने वीडियो पोस्ट नहीं की तो बहुत सारे, हमारा मूड नहीं था, तो बहुत सारे कमेंट्स, मूड था पर आप ही की वजह से, हम थोड़े से टेंशन की वजह से ना दिल नहीं चाह रहा था, हम हॉस्पिटल पहुंचे और किस्मत देखे। और मजे की बात बताऊं, बिलाल भाई से मेरा रब्ता हुआ है, उन्होंने मुझे कहा घर पे आ जा यार तू, मैं उन्हें क्या, हाँ मैंने उन्हें बोला है, मैं पूरी बात बता दूं, मैंने उन्हें ये बोला है कि मैं कल आता हूँ, तो आगे से मुंह बना रहे, कह रहे आ जाओ यार, मैं खाना बनवा लेता हूँ। देखो आप ही की हालत देखो, इतना घर डिस्टर्ब होगा, बेचारे कह रहे हम खाना बना ले, आप लोग आ जाओ, देखा खाना वाना कुछ नहीं, हम कल शाम में आएंगे, थोड़ा रेस्ट कर लो, तो बहुत थके। और वो अर्शद भाई, आपकी वीडियो बहुत ब्लर आ रही है। अच्छा, वो अर्शद भाई फैमिली से बात हुई है आपकी? हाँ, उनको मैंने कल का कह रही है, इंशाल्लाह अर्शद भाई फैमिली भी हमारे साथ ही चलेंगे, आपी को देख दें और कल उनसे वहीं पे मुलाकात करेंगे, फिलहाल मैं थोड़ा दूर रख लूँ फिर करता हूँ बात। अच्छा जी, यखनी पुलाव तकरीबन होने वाला तैयार, तो हिना मेरे ख्याल आज के व्लॉग की इजाज़त लेते हैं। हाँ, आज का व्लॉग जो है हम यही पे एंड करते हैं, किचन भी हमारा जो है वो समझ। और आज का थंबनेल मैं यही लगाऊंगा, हिना के अब्बू का फेस रिवील। अच्छा जी, नूर भाई और हिना के अब्बू का फेस रिवील, और क्या कहना था मैंने, भूल गई। अच्छा, हमने आज नहीं बनाना था व्लॉग,
थोड़ा कुछ मूड अजीब सा था, कुछ अजीब सा था, तो हमने सोचा नहीं बनाए, इतने कमेंट्स आ रहे थे, मैंने कहा थोड़ा सा बना के पोस्ट कर देते हैं। और आपको हमारी बातों से अंदाजा हो रहा होगा, हाँ थोड़ी सी तसल्ली हुई है, लेकिन ये है कि हम जब खुद देखेंगे तो फिर वो फिर ही हमें सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला कल हर हाल में इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे कल इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि आप ही हमारी बहनों की तरह की बहन ही है मेरी। दुनिया मतलब इतनी दुआएं दे रही है हमारे दिल से, व्लॉगिंग से हटके भी हमारे दिल से दुआएं निकल रही हैं कि आप ही जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि आप ही से जो बैठ के बातें करने का मज़ा आता है बिलाल भाई से, आप ही से, वो सच में सबसे अलग है, उनकी गैदरिंग सबसे अलग है। अच्छा नेचर है, हम तो बहुत मतलब करीब से उनको जानते हैं। मारिया जो है वो तो बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छे नेचर की है। अच्छा मुझसे मुझसे ना ये कमेंट भी आया हुआ था, आप ही बोलते हो, मैं आप ही उन्हें इज्जत के लिए बोलता हूँ, मुझसे बहुत छोटी हैं वो, हिना और मुझसे दोनों से बहुत छोटी हैं, पर हम प्यार से और छोटी बहनों को जैसे प्यार से बोला जाता है, मैं वैसे उन्हें आप ही कहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये कहना। तो बल्कि आप लोगों ने देखा होगा वो मेरे कज़न की वाइफ जो मेरी भाभी हैं इस्लामाबाद, जिनके घर हम रुके हुए थे, नूर भाई की बहू हैं जो क्या नाम है, उन्हें भी मैं आप ही बोलता हूँ, मुझसे बहुत छोटी हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जिन्हें मैं सगी बहनों की तरह समझता हूँ आप ही बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चले आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नए और बिलाल भाई के घर पे आप ही के साथ व्लॉग में इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला मुलाकात कराएंगे। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।